नमस्कार, ताप्ती अर्जुन मीडिया में आपका स्वागत है। आप हमारा न्यूज चैनल किस स्थान से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें। बैतूल जिले की हर छोटी और बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए ताप्ती अर्जुन के साथ। आइए देखते हैं बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। बैतूल जिला मुख्यालय पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कल 12 फरवरी को सभा को संबोधित करते हुए की घोषणाएं। बैतूल जिला मुख्यालय के न्यू बैतूल स्कूल ग्राउंड में कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को अब पानी के लिए दूर दराज तक नहीं भटकना पड़ेगा, अब हर घर तक पाइपलाइन पहुंचेगी एवं टोटी वाला नल लगेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम राइज स्कूल खोले जाने की भी बात कही। बैतूल जीवित किसान को मृत बताने के मामले में दो पटवारियों पर दर्ज हो सकती है एफआईआर। मुलताई के ताईखेड़ा गांव में रहने वाले एक जीवित किसान को मृत घोषित करने के मामले में दो पटवारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है। आपको बता दें कि मामले को लेकर कल बैतूल में किसान के बेटे ने शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभा के दौरान हंगामा किया था। मुलताई एसडीएम आईएएस हरसिमरनप्रीत कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि इस पूरे मामले की जांच जारी है। बैतूल फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर भारत पेट्रोल पंप का संचालन करने का आरोप लगाते हुए भीमसेना ने मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कल 12 फरवरी को भीमसेना के पदाधिकारियों ने पुलिस परेड ग्राउंड पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपते हुए भीमसेना के पदाधिकारियों ने बताया कि चोपना क्षेत्र में रोहित और तरुण नाम के व्यक्तियों के द्वारा पश्चिम बंगाल से जाति प्रमाण पत्र बनाकर पेट्रोल पंप की अनुमति ली गई है, जबकि वह मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी है। बैतूल सामंगी गांव में जहरीले पदार्थ का सेवन करने से इलाज के दौरान युवक की हुई मौत, जिला अस्पताल में किया गया पोस्टमार्टम। मामला आठनेर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सावंगी गांव का है, जहां पर 11 फरवरी की शाम तकरीबन 5:30 बजे प्रकाश दवंडे नाम के एक युवक ने जहरीला पदार्थ पी लिया था, जिसके बाद परिजनों ने उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां गंभीर हालत होने के चलते उक्त युवक को बैतूल जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जहाँ कल सुबह तकरीबन 7:30 बजे युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत होने के बाद अस्पताल चौकी के द्वारा पंचनामा तैयार करते हुए आठनेर थाने को भेज दिया गया। पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। बैतूल विद्यार्थी परिषद के द्वारा बैतूल में मुख्यमंत्री को मुख्य बिंदुओं की जानकारी देकर सौंपा ज्ञापन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कल अपनी विभिन्न मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपते हुए उन्होंने बताया कि भीमपुर में शासकीय महाविद्यालय के लिए भूमि की आवश्यकता है, 4 वर्ष प्रारंभ होने के हो चुके हैं, लेकिन अब तक भूमि आवंटित नहीं की गई है। वहीं मुलताई महाविद्यालय का नाम तापी महाविद्यालय करने एवं कन्या महाविद्यालय का नाम रानी दुर्गावती किए जाने के संबंध में ज्ञापन सौंपा। बैतूल जिले के ज्वलंत मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री को आम आदमी पार्टी ने सौंपा ज्ञापन। बैतूल जिला मुख्यालय पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कल आम आदमी पार्टी ने ज्ञापन सौंपा। आम आदमी पार्टी ने ज्ञापन सौंपते हुए 17 बिंदुओं पर विस्तृत रूप से जानकारी दी, जिसमें बेरोजगारी, स्वास्थ्य सुविधा, दीनदयाल अंत्योदय रोजगार योजना में हजारों हितग्राहियों के लगातार चक्कर लगाना, नल जल योजना में भ्रष्टाचार और महंगाई जैसे ज्वलंत मुद्दे शामिल थे। मुलताई संत भिखारीदास का हुआ निधन, अंतिम यात्रा में विधायक सहित हजारों लोग हुए शामिल। मुलताई क्षेत्र के समीपस्थ ग्राम आष्टा में कल प्रसिद्ध संत भिखारीदास महाराज का निधन हो गया। उनकी अंतिम यात्रा में मुलताई विधायक श्री सुखदेव पांसे सहित हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भिखारीदास महाराज की उम्र तकरीबन 97 वर्ष थी और उनके लाखों अनुयायी भी हैं।
मुल्ताई गांधीवाड निवासी एक व्यक्ति घर की छत से गिरकर हुआ घायल। परिजन ऑटो से लेकर पहुंचे अस्पताल। पवित्र नगरी मुल्ताई के गांधीवाड में गांधीवाड निवासी अशोक पिता रामरतन उम्र 40 वर्ष घर की छत पर से गिरकर घायल हो गया, जिसके बाद उक्त व्यक्ति के सर में गंभीर रूप से चोटें आई है। गंभीर रूप से चोट आने के बाद परिजन उसे ऑटो की मदद से मुल्ताई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों के द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया एवं सर में गंभीर चोट होने के चलते प्राथमिक उपचार के बाद उसे बैतूल के जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। मुल्ताई को जिला बनाने, ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग को लेकर जन आंदोलन मंच ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सौंपा ज्ञापन। मुल्ताई को जिला बनाने एवं ट्रेनों के स्टॉपेज के संबंध में कल बैतूल में जन आंदोलन मंच के द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ज्ञापन सौंपा गया एवं अपनी मांगे रखी गई। जन आंदोलन मंच के सदस्यों ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके द्वारा मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा गया था, लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा समय नहीं दिया गया, जिसके बाद आंदोलन के साथियों ने अपना धरना प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री से करवाई। आमला विधायक डॉक्टर योगेश पंडागरे ने बैतूल पधारे कृषक बंधुओं का माना आभार। बैतूल में कल 12 फरवरी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा माननीय कृषि मंत्री श्री कमल पटेल एवं गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में पूरे प्रदेश के किसान बंधुओं के खाते में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 7,600 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए। इस गरिमामय कार्यक्रम में सम्मिलित होने बैतूल पधारे कृषक बंधुओं का आमला सारणी विधायक डॉक्टर योगेश पंडागरे ने आभार व्यक्त किया। आमला रेलवे स्टेशन पर भोपाल के SRM ने रेलवे कोर्ट कैंप लगाया। रेलवे नियमों का पालन नहीं करने वाले 24 लोगों पर लगाया जुर्माना। आमला रेलवे स्टेशन पर कल भोपाल के SRM ने रेलवे कोर्ट कैंप लगाया, जहां रेलवे के न्यायाधीश के द्वारा रेलवे के नियमों का पालन नहीं करने वाले 24 लोगों पर जुर्माना लगाया गया। आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन आमला, बैतूल और जुन्नारदेव के विभिन्न केसों में तकरीबन 24 लोगों पर जुर्माना लगाया गया है, जिसमें नो पार्किंग, यार्ड से पटरी पार करने जैसे मामले शामिल है। जुर्माना नहीं भरने वाले लोगों को जेल भेजा गया है। सारनी मजदूरों ने डिफरेंस पेमेंट की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। पावर प्लांट के मुख्य अभियंता को सौंपा ज्ञापन। सारनी में कल 12 फरवरी दिन शनिवार को मजदूरों ने डिफरेंस पेमेंट की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया, साथ ही पावर प्लांट के मुख्य अभियंता कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए मुख्य अभियंता को ज्ञापन सौंपा। मजदूरों ने जानकारी देते हुए बताया कि डिफरेंस पेमेंट की मांग जब तक पूरी नहीं हो जाती उनके द्वारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। सारनी युवा संघर्ष मंच ने उजड़ते सारनी शहर को बचाने के लिए भीख मांग कर जुटाए 291 रुपए। प्रदेश सरकार को मनी ऑर्डर करके भेजे रुपए। सारनी में कल 12 फरवरी दिन शनिवार को युवा संघर्ष मंच ने उजड़ते सारनी शहर को बचाने के लिए भीख मांगते हुए 291 रुपए एकत्रित किए, जिसके बाद संघर्ष मंच के द्वारा उक्त रुपयों को मनी ऑर्डर करते हुए सरकार को भेज दिया गया। आपको बता दें कि युवा संघर्ष मंच के द्वारा लगातार उजड़ते सारनी शहर को बचाने के संबंध में अभियान चलाया जा रहा है। घोड़ाडोंगरी मेंटेनेंस कार्य के चलते सारीढाना रेलवे गेट आज रविवार और कल सोमवार को रहेगा बंद। घोड़ाडोंगरी और बरबटपुर रेलवे स्टेशन के बीच स्थित सारीढाना रेलवे गेट आज रविवार और सोमवार को मेंटेनेंस कार्य के चलते बंद रहेगा। रेलवे के द्वारा शनिवार को घोड़ाडोंगरी पुलिस चौकी में पत्र सौंपकर यह जानकारी दी गई। घोड़ाडोंगरी पुलिस चौकी से प्राप्त जानकारी के अनुसार घोड़ाडोंगरी बरबटपुर रेलवे स्टेशन के बीच स्थित सालीढाना रेलवे गेट रविवार और सोमवार को सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक मेंटेनेंस कार्य के चलते बंद रहेगा।
भैंसदेही नगर परिषद के नमो उपवन में फाउंटेन का निर्माण कार्य हुआ पूरा, सीएमओ एसके जैन ने किया निरीक्षण। भैंसदेही नगर परिषद के सीएमओ एसके जैन ने कल नमो उपवन पहुंचकर फाउंटेन निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। सीएमओ ने मीडिया से जानकारी साझा करते हुए बताया कि फाउंटेन का निर्माण कार्य इंदौर से आए कलाकारों के माध्यम से पूरा कर लिया गया है और जल्द ही नगर की जनता के लिए यह प्रारंभ हो जाएगा। भैंसदेही भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी पहुंचे पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष अनिल सिंह ठाकुर के निवास। भैंसदेही में कल भाजपा के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान भैंसदेही नगर के पूर्व अध्यक्ष अनिल सिंह ठाकुर के निज निवास पर पहुंचे, जहां वरिष्ठ भाजपा नेता के द्वारा श्री दर्शन सिंह चौधरी का प्रथम आगमन पर स्वागत किया गया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के युवा एवं वरिष्ठ कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। चिचोली श्रद्धानंद वार्ड में अज्ञात कारणों के चलते मकान में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। चिचोली के श्रद्धानंद वार्ड में कल देर रात अज्ञात कारणों के चलते एक मकान में आग लग गई, जहां मकान में धुआं उठने के बाद इसकी जानकारी वार्ड के लोगों द्वारा फायर ब्रिगेड को दी गई, जहां फायर दमकल वाहन मौके पर पहुंचा एवं आग पर काबू पाया। आठनेर ग्राम सातनेर में आज श्रीराम महायज्ञ का होगा समापन, भंडारे का भी किया जाएगा आयोजन। आठनेर ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सातनेर में आज 13 फरवरी को श्री राम महायज्ञ का समापन किया जाएगा। सर्वप्रथम दोपहर तक हवन पूजन का कार्यक्रम पूरा होकर ग्रामीणों के द्वारा सुख समृद्धि की कामना करते हुए भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। तो ये थी बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। नमस्कार।